नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में जयपुर के लिए रवाना हुई। करणी सेना ने राजस्थान सरकार की विफलता और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आक्षेप लगाया। पारड़ी खड़की हाईवे पर यात्रियों से भरे रिक्शा को टेम्पो चालक ने टक्कर मारते पलटी खा गई। हाईवे के किनारे गड्ढे में रिक्शा गिरने से 7 यात्री घायल हो गए, टेम्पो चालक फरार। कपराड़ा के खुटली गांव में एक कुएं से दो रसल वाइपर सांप को वाइल्ड लाइफ की टीम ने बचाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में जयपुर के लिए रवाना हुई। करणी सेना ने राजस्थान सरकार की विफलता और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वापी टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके लिए वापी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की पूरी टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की मंगलवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में उनके घर में घुसकर कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे सुखदेव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही करणी सेना कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तब वलसाड जिला टीम के अधिकारी, वलसाड जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राठौड़, वापी अध्यक्ष महेश सिंह राजपूत, वापी उपाध्यक्ष राजीव सिंह चौहान, वापी कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तोमर, वलसाड जिला मीडिया प्रभारी राहुल सिंह और वापी संगठन मंत्री श्याम सिंह तोमर, वापी महासचिव प्रमोद सिंह, सेक्रेटरी, पूरी टीम एक साथ जयपुर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने इस घटना की निंदा की और कहा कि ऐसी दुखद खबर को राजपूत समाज कभी माफ नहीं करेगा। इन सभी में राजस्थान सरकार की नाकामी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया गया। सर, आप कहाँ के लिए जा रहे हो? जी, हम लोग जयपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। मैं महेश श्री राजपूत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वापी, जो श्री हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मंडी की हत्या हो गई है। इसमें कुछ गुंडों ने उनके घर में घुस के उनकी हत्या कर दी, जिसमें पूरा राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की वापी गुजरात टीम सभी जिलों की टीम जयपुर के लिए प्रस्थान कर गई है, जिसमें सभी राजपूत भाई से हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग राजपूत भाई राजस्थान पहुँचे और आगे के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष भूपेश सिंह राठौर जी बोलेंगे। जय माता जी, जय माँ करणी। मैं राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष वलसाड। आज हम जयपुर जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुप्रीमो सुखदेव सिंह की धोखे से हत्या कर दी गई कुछ बदमाशों ने, उसी उपलक्ष में हम उनको न्याय दिलाने जा रहे हैं। हमारा जितना भी करणी सेना टीम है गुजरात की, सभी से निवेदन है कि सभी लोग पधारे और अपने सुप्रीमो को न्याय दिलाने का कष्ट करें। एक दिन के लिए पधारे और सबको मिलजुल के सहयोग करना है। जय माँ करणी, जय माता। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले हर राजभाइयों के साथ ऐसा घटना घट सकती है, ऐसा होगा। इसलिए सरकार, राजस्थान सरकार का पूरा इसमें हाथ है। अगर राजस्थान सरकार चाहिए होती तो हमारे सुखदेव जी की हत्या नहीं हुई होती। सुखदेव सिंह की हत्या में राजस्थान सरकार का पूरा दोष है, क्योंकि सुखदेव सिंह जी ने आज से 6 महीने पहले से ही अपने सुरक्षा के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के यहाँ दरवाजा खटखटाया कि मुझे सुरक्षा दी जाए, अन्यथा वहाँ की सरकार ने उनके साथ बेइंसाफी किया। इसके साथ साथ चुनाव में उनके सारे शस्त्र को जमा करवा लिया गया। जिस भी ऐसे लीडर का, ऐसे संगठन के लीडरों का हथियार जमा करवाया जाता है, उनको सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया करवाई जाती है, अन्यथा सरकार की सारी गलतियां है। अगर सरकार अगर जो चाहिए होती तो आज मेरे सुप्रीमो श्री सुखदेव सिंह गोगा मंडी के साथ ऐसी घटना नहीं घटी होती। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी।
रानी खड़की हाईवे पर यात्रियों से भरी रिक्शा को टेम्पो चालक ने टक्कर मारते पलटी खा गई। हाईवे के किनारे गड्ढे में रिक्शा गिरने से 7 यात्री घायल हो गए, वहीं टेम्पो चालक फरार। पारड़ी खड़की हाईवे पर मंगलवार को एक हादसा हुआ जब यात्रियों से भरी एक पियागो रिक्शा को आयसर टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी और रिक्शा पलटकर गड्ढे में जा गिरी। रिक्शा में सवार करीब 7 यात्री घायल हो गए। पारड़ी से वापी तक यात्रियों को लेकर पियागो रिक्शा खड़की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर एपिकल होटल के सामने से गुजर रहा था, तभी एक आयसर टेम्पो के चालक ने सवारियों से भरी रिक्शा को टक्कर मारते हुए पियागो रिक्शा को हाईवे पर पलट दिया, जिसके बाद वह हाईवे के किनारे गड्ढे में जा गिरा। दुर्घटना के बाद आयसर टेम्पो का चालक भाग गया। रिक्शा में सवार करीब 7 लोग घायल हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। कबराड़ा के खुटली गांव में एक कुएं से दरअसल वाइपर सांप को वाइल्ड लाइफ की टीम ने बचाया। कपराड़ा के खुटली गांव के निषाद फड़िया में रहने वाले राजेश भाई वनु भाई के घर के पास एक कुएं में 2 सांप देखे गए, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट के मुकेश भाई वायर को टेलीफोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंचने पर तलाश करते हुए कुएं में 2 रसेल वाइपर सांप दिखे, जिसे लकड़ी की सहायता से सावधानी पूर्वक कुएं से बाहर निकाला गया। तो जहरीले रसेल वाइपर को सुरक्षित पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और बेहद जहरीले रसेल वाइपर सांप को जंगल में छोड़ने का प्रयास किया गया। पारड़ी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में FY BCom और FIBA की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की शुरुआत की गई। JP पारड़ीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में FY BCom और FIBA के विद्यार्थियों की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार परीक्षा ली जा रही है। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गंगाबेन पटेल के मार्गदर्शन में 11 ब्लॉक में छात्र परीक्षा दे रहे हैं। प्रोफेसर जितेंद्र टंडेल ने बताया कि FY BCom में 196 और FIBA में 156 छात्र CC कैमरे की निगरानी में शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम 3 दिन से आ रही है, लेकिन अभी तक चोरी की कोई घटना नहीं हुई। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा 2 से 9 दिसंबर तक आयोजित की है। इस परीक्षा में प्रोफेसर दिलीप पटेल, जितेंद्र टंडेल, फाल्गुनी देसाई की देखरेख में प्रियंका राणा, विनोद पटेल, जीनल पटेल, कॉलेज स्टाफ, पूर्व छात्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने FIBA BCom के जे सरकार नवी एजुकेशन पॉलिसी प्रमाण आ परीक्षा नो अभ्यासक्रम राखवामां आवेलो हतो, एटले एमनी आ परीक्षा नवी एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाण ज लेवामां आवी रही छे। विद्यार्थियों में एवं है कि FIBA BCom में 196 विद्यार्थियों परीक्षा आपी रहा है, जयरे FIBA में 156 विद्यार्थी परीक्षा आपी रहा है। एम टोटल 11 ब्लॉक बने FIBA BCom आज परीक्षा आपी रहा है। सुपरविजन में कॉलेज स्टाफ तमज जे ग्रेज्युएशन छोकरा अपना भूतपूर्व विद्यार्थी हो सुपरविजन कर रहा है। बीजू के एक्जाम सुपरिटेन्डेंट तरीके प्राध्यापक दिलीप भाई पटेल, प्राध्यापक जितेंद्र टंडेल और प्राध्यापक डॉक्टर फाल्गुनी देसाई आ सुपरिटेन्डेंट तरीके काम कर रहा है। तमज फैक्टोटम तरीके प्रियंका राणा, स्टेशनरी सुपरविजन तरीके निर्मल पटेल और असिस्टंट फैक्टोटम तरीके जीनल पटेल काम कर रहा है। आ परीक्षाओं अमे अमरा इंचार्ज आचार्य डॉक्टर गंगाबेन जी पटेल मार्गदर्शन हेठ आ परीक्षाओं लई रहा है। तमज दरेक क्लास की अंदर CC कैमेरा आयोजन कर CC कैमेरा रेकॉर्डिंग रोजे रोज कर 3 दिवस फ्लाइंग स्क्वॉड पर आप विजिट मारी रही है, छतां विद्यार्थियों एक पण पकड़ाया नहीं अने खूब शांतिपूर्ण प्रमाण विद्यार्थी परीक्षा आपी रहा है। आ परीक्षाओं 2 डिसेम्बर थी चालू थी थी ते 9 डिसेम्बर सुधी परीक्षाओं चाली रही है अने खूब शांतिपूर्ण वातावरण में आ परीक्षा ले रहा है। वलसाड जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवा मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। अगले लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पंजीकृत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त सुधार कार्यक्रम 2024 चलाया जा रहा है। 27 अक्टूबर से यह 9 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। तब वलसाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी सह कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि तारीख 9 दिसंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जिले में कैंप लगाया जाएगा। खासकर 18 और 19 साल के युवा मतदाताओं को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर BLO के पास पंजीकरण कराना चाहिए, फिर वे अगले लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
प्रजातंत्र देश में मतदान करना एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग दूसरी जगहों पर रहते हैं और पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकते, वे चुनाव आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा वे नाम और पता भी सही करा सकते हैं। आप मामलतदार कार्यालय में जाकर भी इसकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वलसाड जिले के मतदाताओं को विशेष रूप से सूचित करते हुए कि जिले की चुनाव व्यवस्था सदैव आपके साथ है, आपकी कोई भी शिकायत कलेक्टर के ट्विटर, वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से भी बताई जा सकती है। नमस्कार, भारत राज्य चूंटनी पंच द्वारा दर वर्षे मतदारों की याद नोधा झुंबेश कर वर्षे अपनी आ झुंबेश 27 ऑक्टोबर थी 9 डिसेम्बर सुधी चाले। आ 9 डिसेम्बर दिवसे अपना वलसाड में स्पेशल समरी रिविजन कैम्प योजना, जे पण 17-18 पूरु करता हुए अने 18-19 में जेने रजिस्ट्रेशन करवानु हुए, आ बधा मतदाताओं ने, युवा मतदाताओं ने हूँ अपील करूँ छूँ, तमारा जे मतदार बूथ छे त्यां जईने आप लोकोए BLO पासे थी पोतानुं रजिस्ट्रेशन करावुं जोईए। अगर ए रजिस्ट्रेशन तमे सक्सेसफुली करो तो आवता लोकसभानी चूंटणीमां आप लोको मतदान करी शको छो। लोकशाही देशमां मतदान करवुं आ पवित्र कर्तव्य छे। एना साथे ज अगर आप लोगों पोताना गामे न होए बीजे रहता होए तो वोटर हेल्पलाइन एप ए चूंटनी पंचे डेवलप करेला एप पर थी आप लोगों जाते पण रजिस्ट्रेशन करावी शको छो। एना साथे ज पोतानु नाम चेंज करवू होए, पोतानु एड्रेस चेंज करवू होए, पोतानु कार्ड मेळवू होए, आप बधा ज कारणोसर आप पोताना मतदान मथकनी मुलाकात लई शको छो, नहीं तो VHA एप पर पण आ बधी वस्तुओ अवेलेबल छे। तमारा मामलतदार कचेरीमां जईने पण आप लोको आ कन्फर्मेशन लई शको छो। सुदृढ मतदार सुदृढ लोकशाही बनावे छे। आपणी लोकशाही सुदृढ बनाववा माटे आपनुं पोतानुं कीमती मत आपवा माटे आपणुं नाम मतदार यादीमां होवुं घणुं जरूरी छे। आप लोकोने बधाने हुं आ अपील करुं छुं અને વલસાડ જિલ્લા તંત્ર આપ લોકોના પડખે હંમેશા તૈયાર છે। આપ લોકોની કોઈ પણ ક્વેરી હોય આપ લોકો કલેક્ટરના ટ્વિટર, વેબસાઇટ પર, મેલ પર પણ સદર બાબતે ફરિયાદ કરી શકો છો। ધન્યવાદ। પારડી રોકડિયા હનુમાનજી મહારાજ મંદિરમાં શ્રી રામચરિત માનસ રામાયણ પાઠ કા શુભારંભ હુઆ। पारड़ी रोकड़िया हनुमान जी महाराज मंदिर में श्री रामचरित मानस रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। उत्तर भारतीय सेवा समिति द्वारा पिछले 19 वर्षों से श्री रामचरित मानस रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, ताकि समाज के लोगों को श्री राम जीवन चरित्र के संदेश के माध्यम से लोग अपने माता पिता की सेवा, साधु संतों की सेवा, समाज की सेवा में सहयोग करें तथा सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। इस रामायण पाठ में उमरगाम से लेकर सूरत तक के लोगों के साथ उत्तर भारतीय समाज के स्थानीय लोगों ने भी लाभ उठाया। इसके साथ ही 7 दिसंबर गुरुवार को ध्वजारोहण, महाआरती, महाप्रसाद का आयोजन किया गया। उत्तर भारतीय सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी 19वें वर्ष में अखंड रामचरित मानस पारायण का पाठ प्रारंभ हो गया है। ये कार्यक्रम पिछले 19 वर्षों से बड़े सुंदर रूप से चल रहा है, जिसमें उमरगांव से लेकर सूरत तक के लोग लाभ लेते हैं। भगवान श्री रामचरित मानस का पारायण जो होता है, जिसके द्वारा समाज में हम ये प्रसंग बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचरित मानस के अंतर्गत जैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन का चरित्र लोगों को दिखाकर स्वयं परम ब्रह्म होते हुए भी लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए उन्होंने अपनी जीवन चरित्र को लोगों को दिखाया, स्वयं माता पिता की सेवा कैसे करनी है, ऋषियों का कल्याण कैसे करना है, सभी भक्तजनों का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने जीवन चरित्र को दिखाया। वही हम संदेश पूरे समाज में देना चाहते हैं कि प्रभु भी साक्षात यहाँ आकर सेवा धर्म को निभाए। वैसे हम सबको समाज की सेवा करनी चाहिए, सबका कल्याण हो, इस सद्भावना से उत्तर भारतीय सेवा समिति ये आयोजन करती है। सर्वजन हितार्थाय, सर्वजन कल्याणार्थ ये कार्यक्रम होता है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इस भावना से ये कार्यक्रम हम करते हैं, जिसमें सभी लोग यहाँ पर, केवल कार्यक्रम उत्तर भारतीय सेवा समिति से होता है लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में सबसे अधिक लाभार्थी हमारे यहाँ के स्थानिक प्रजा, सभी गुजराती लोग लाभ लेते हैं, सभी का इसमें सहयोग होता है और सभी के द्वारा यह कार्यक्रम सुंदर मनाया जाता है। बोलिए रोकड़िया हनुमान जी महाराज की जय। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
वापी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में जयपुर के लिए रवाना हुई। करणी सेना ने राजस्थान सरकार की विफलता और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आक्षेप लगाया। पारड़ी खड़की हाईवे पर यात्रियों से भरे रिक्शा को टेम्पो चालक ने टक्कर मारते पलटी खा गई। हाईवे के किनारे गड्ढे में रिक्शा गिरने से 7 यात्री घायल हो गए, टेम्पो चालक फरार। कपराड़ा के खुटली गांव में एक कुएं से दरअसल वाइपर सांप को वाइल्ड लाइफ की टीम ने बचाया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए नमन न्यूज़। नमस्कार।